नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़ में, हूँ आपके साथ पवन तिवारी। नेहा धूपिया और अंगद बेदी को अक्टूबर के महीने में बेटा हुआ और उन्होंने एक बेटे का स्वागत इस दुनिया में किया। आपको बता दें कि पहले से ही अंगद बेदी और नेहा धूपिया की एक 3 साल की बेटी है जिसका नाम मेहर है। और साथ ही आपको बता दें कि जब से नेहा धूपिया के घर पर बेटे का जन्म हुआ है तभी से लोग उनके बेटे का नाम और साथ ही साथ बेटे की तस्वीरें देखने के लिए उत्सुक थे। अब आपको बता दें कि इन सभी के ऊपर से पर्दा हट चुका है और नेहा धूपिया ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उनके बेटे का नाम क्या है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेहा धूपिया ने अपने परिवार की तस्वीर शेयर की सोशल मीडिया पर और उस फोटो के अंदर उनके पति अंगद बेदी, उनकी बेटी मेहर और उनका बेटा नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हमारा बेटा गुरीक सिंह धूपिया बेदी। अब इस नाम के आते ही लोग इस नाम का मतलब जानने के लिए उत्सुक हो गए। तो हम आपको बता दें कि इस नाम का मतलब होता है भगवान या उसका एक रूप, यानी कि दुनिया का रक्षक। नेहा धूपिया ने इस नाम को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इसी नाम को हमने क्यों रखा। उन्होंने कहा कि इस नाम का क्रेडिट आप माँ को दे सकते हैं, साथ ही स्पेलिंग का क्रेडिट आप मुझे दे सकते हैं। और नेहा धूपिया ने कहा कि मैं और अंगद ये चाहते थे कि हम अपने बेटे का नाम एक यूनिक नेम रखें जिसका कोई मतलब हो। और इसी के बाद हमने बहुत सर्च किया और बहुत सारे नाम हमारे सामने थे, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने थे, लेकिन हमने गुरीक सिंह ही चुना। और इसका जब मतलब हमने देखा तो हमें अच्छा लगा और इसी वजह से हमने अपने बेटे का नाम गुरीक सिंह धूपिया बेदी रखा है। तो अब नेहा धूपिया के बेटे का नाम सामने आ चुका है और इसी के बाद फैंस उनके फोटो पर लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनके बेटे के नाम को लेकर उन्हें बधाइयां दी जा रही है। साथ ही उनके परिवार की फ़ोटो को लोग प्यार दे रहे हैं। साथ ही कई स्लैब्स ने भी नेहा धूपिया की फ़ोटो पर कमेंट किया और लाइक किया। आप भी जाकर देखिए फोटो और उनके बेटे का नाम के मतलब को सर्च कीजिए और देख सकते हैं, उसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं अगर आप भी उत्सुक हैं तो। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।